हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज है आप लोगों का डे 127। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। चलो चलते हैं अपने होमवर्क 126 के क्वेश्चन पर। इसका आंसर है आपका 48। इसका 48 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। अगर नहीं किया है तो बिल्कुल अभी कर सकते हैं ना, बिल्कुल अभी आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके चलो, 126 इज कंप्लीटेड। 127 पे जाने से पहले थोड़ा बहुत मैं सर्कुलर परम्यूटेशन के बारे में बात करूंगा। कुछ भी स्लाइड्स वगैरह मेरे को उतना अच्छे से मिल नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, बट या वी विल फिनिश इट। सर्कुलर परम्यूटेशन, उसके पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आपके पास फोर पोजिशन है, ठीक है ना, फोर पोजीशन है, फोर ऑब्जेक्ट है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए कोमा बी कोमा सी, आप कितने तरीके से भर सकते हैं? 4 फैक्टोरियल, ठीक है। सिमिलरली आप लोग सर्कुलर में, अगर मैं बात करूं सर्कुलर में बात करूं, 1 2 3 4, 4 प्लेसेस हैं आपके, है ना। फोर फोर प्लेसेस को आप कितने भी तरीकों से भर सकते हैं। 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 3 फैक्टोरियल, ठीक है। बट वाई वी कैन सी लाइक, है ना, हम लोग देखेंगे क्यों इतने तरीके से आते हैं 3 फैक्टोरियल, जबकि यहाँ पे सेम चीज वही है ना, 4 फैक्टोरियल में आ रही है। तो आप देखोगे यहाँ पे ए कितने तरीके से आ सकता है, 4 तरीके से। फिर अगर आपने यहाँ फिक्स कर दिया ये, तो यहाँ पे बी कितने तरीके से आ सकता है। अब जनरल केस में ले रहा हूँ, बी बी ले रहा हूँ, किसी को भी आप ले सकते हैं 3। यहाँ पे कितने तरीके से आ सकता है, सी 2 तरीके से, जबकि ये चीजें भर रखी हैं। यहाँ पर डी कितने तरीके से फिर आएगा, आपका एक ही तरीका आएगा, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 4 फैक्टोरियल। ओके ओके चलो, अब मैं आपको बताता हूँ क्या है। जैसे आपके पास ए बी सी डी है, ए बी सी डी, और आपने सर्कुलर में भी बना लिया, सर्कुलर में भी आपने बना लिया ए बी सी डी, ठीक है। नेक्स्ट में आपका क्या हो सकता है, थोड़ा पेशेंस रखना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट में आपका क्या होगा कि हम लोग इसको ना पुश करते हैं ना, ए पुश कर रहा है इसको, पुश करने के लिए लेट मी चूज करना, रखें ए पुश कर रहा है इसको, ए पुश कर रहा है इसको, ए पुश कर रहा है इसको, तो सर्कुलर लिंक लिस्ट के जैसे ए वाला डी आ जाएगा ए के पास में, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं तो थोड़ा और समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा, और यहाँ पे डी आ जाएगा आपको, ठीक है। सिमिलरली हम लोग सर्कुलर में अगर उसी टाइप का पुश करते हैं, सिमिलरली अगर हम लोग सर्कुलर में उसी टाइप का पुश करते हैं, ओके, यहाँ पे था ये आपका, यहाँ पे आ जाएगा ये, यहाँ पे बी आ जाएगा, यहाँ पे आपका सी आ जाएगा, यहाँ पे आपका डी आ जाएगा, ठीक है। एक चीज आप देख पा रहे हैं, अभी आप इस व्यू से देख रहे थे, इस यहां से अगर आप बैठे हैं यहाँ पे देख रहे थे, तो ये चीज आपको सेम दिख रही थी, ए बी सी डी, डी ए बी सी, ये डिफरेंट अरेंजमेंट है, ये डिफरेंट अरेंजमेंट है। बट सर्कुलर में क्या है ना, सर्कुलर में आपको सब एक जैसा लगेगा, यहाँ पे ये बैठे आप, ये भी सेम हो गया है ना। चलो नेक्स्ट देखें, फिर पुश करते हैं। अब लेट मी चेंज द कलर, कलर चेंज करते रहना। देखो फिर क्या होगा आपका, फिर ये यहाँ पुश कर रहा है ना, बी पुश कर रहा है, दैट मीन्स सी यहाँ पुश करेगा, डी यहाँ पुश करेगा, पुश पुश पुशिंग चलती रहेगी, है ना। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा बी, यहाँ पे आ जाएगा ए, यहाँ पे आ जाएगा आपका डी, और यहाँ पे आ जाएगा सी। सिमिलरली हम लोग सर्कुलर सर्किल में पुश करते हैं, सिमिलरली हम लोग सर्किल में पुश करते हैं, ओके, ए को पुश करोगे आप, यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ पे आ जाएगा, सी आपका यहाँ पे आ जाएगा, डी आप क्या यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप बैठ के देखोगे ये चीज, आपको तीनों सर्किल सेम लगेंगे यहाँ पे बैठ के, मतलब ये वाला सेम लगेगा, बट ये वाला अरेंजमेंट है जो इसके लिए मैंने बनाया है। अगर मैं नंबरिंग दे दूँ तो और बेटर रहेगा आपके लिए, 1 2 3 समथिंग, 4 समथिंग, 5, वी कैन सी लाइक हाउ मेनी वी विल मेक, ओके। सर्किल 1, सर्किल 2, सर्किल 3, आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट हो रहे हैं, ये बिल्कुल सेम नहीं है एक दूसरे से, बट यहाँ पे तीनों चारों भी सेम है, तीनों सेम है। चौथा बनाते हैं हम, क्या आता है, 1 2 3 4,
चेंज कलर्स, देखो फिर ये दूसरे को पुश कर रहे हैं, फिर से पुश कर रहे हैं, ठीक है। ए आपका यहाँ पे आ जाएगा, ओके, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, बी आपका यहाँ पे आ जाएगा, सी आपका यहाँ पे आ जाएगा, डी आपका यहाँ पे आ जाएगा। एक और सर्कल में बनाता हूँ, चौथा सर्किल, चौथा सर्किल में बनाता हूँ, ओके, चौथा सर्किल में बनाता हूँ, ए आपका पुश होके यहाँ पे आ जाएगा, बी आपका यहाँ पे आ जाएगा, सी आपका यहाँ, और डी आपका यहाँ। फिर भी आप यहाँ बैठ के देखोगे इसको भाई, सब सेम लगेगा, बट इस लाइन में यहाँ पे कहीं पे भी कुछ भी बैठ के देख लो भैया, आपको ये अलग ही लगेगा, है ना। चलो फिर से पुश करते हैं, फिर से कलर चेंज करते हैं, ओके। ए पुश करेगा इसको, ए पुश करेगा इसको, ए वाला पोजीशन यहाँ जाएगा, ए वाला पोजीशन यहाँ चला जाएगा। पुश करते हैं तो क्या बनता है वो हम देखते हैं। चलो ए आपका यहाँ आ जाएगा, बी आपका यहाँ, सी आपका यहाँ, डी आपका यहाँ। तो एक चीज आप देख पा रहे हैं कि चौथा नंबर सर्कल आपका ही हो गया, चौथा नंबर सर्कल आपका ही हो गया, और आप देख सकते हैं कि पांचवा नंबर है ना, पांचवा नंबर आपका, पांचवा नंबर और ये चीज आपकी सिमिलर हो गई, है ना, पांचवा नंबर और ये चीज आपकी सेम हो गई। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ भी सब सेम पोजिशन में आ गए। तो हमारे पास कितने कितने ऐसे मतलब डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट हो गए, यहाँ पे चार अरेंजमेंट हो गए हमारे पास, है ना, चार, कितना, चार, 1 2 3 4, ये रिपीट हो रहा है, इसको काउंट नहीं करते, फोर अरेंजमेंट हो गए। फाइव के लिए हम लोग सर्किल बनाए, फाइव के लिए हम लोग सर्किल बनाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइव नंबर के लिए सर्किल बनाते हैं, 1 2 3 4, ए रोटेट करो, ए बी सी डी। वैसे आप देखोगे तो उस जैसा बन गया, बट यहाँ बैठ के देखोगे आपका सारे सेम है, पांच पांचवा भी आपका सेम हो गया, है ना, सारे आपके सेम ही आ रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पे जब आपके चार फैक्टोरियल कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, तो यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन मतलब क्या बोलता हूँ, एक फुल रोटेशन में जब तक रिपीट ना हो, वहां पे कितना अंतर आ रहा है, चार फैक्टोरियल जो आपके चार बनेंगे उसमें कितने का डिफरेंस पड़ रहा है, आपका चार चार का पड़ रहा है ना, मतलब कि आपका एक फुल रोटेशन में हम लोगों ने ए बी सी डी को पुश करा, एक एक जनरल मतलब ए बी सी डी लिया, हम लोग बी सी डी से कर सकते हैं, तो बहुत सारे इस टाइप के कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो उसको इसलिए तो हम लोग इसको फोर फैक्टोरियल करते हैं। इसको क्यों इसको थ्री फैक्टोरियल आता है, वो चीज हमने देखी ना, कि देखो एक केस में यहाँ पे चार केसेस बन रहे हैं, मतलब एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में हमारे पास इस टाइप से हम लोगों ने चार केसेस बन रहे हैं, बट यहाँ पे चार केसेस नहीं बन रहे हैं, चारों सिमिलर हैं, इसलिए हमने चार से डिवाइड कर दिया, ठीक है, चार से डिवाइड कर दिया। अब बेसिकली 4 × 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4, तो आपका क्या आ जाएगा, ये 3 फैक्टोरियल, ठीक है, ठीक है। तो आपका अगर इस केस में एन फैक्टोरियल है, तो इस केस में फिर आपका क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन, है ना, एन केस कम हो रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, एन एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन, एन से एन आपका कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एन माइनस वन फैक्टोरियल, ऐसे आपका एन माइनस वन फैक्टोरियल आता। आई होप अब आपको समझ में आ गया कि इसमें जो है ना चार केसेस, चार गुना केसेस कम बन रहे थे, है ना, इसलिए हमने चार का डिवाइड कर दिया। चार मतलब वो जो ही नंबर है वो जितने हमें मतलब अरेंज करने थे, ठीक है, एलिमेंट। चलो एक दो हम लोग होमवर्क प्रॉब्लम देख लेते हैं, ठीक है, ओके। ये सर्कल है, सपोज करो ये सर्कल है आपको, है ना, ये आपको सर्कल है, और आपको दिया गया है तीन, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 8 पीपल आपको दे रखे हैं, कि 8 पीपल हैं आपके, 8 लोग हैं, उनको अरेंज करना है सर्कुलर में, तो आप लोग सिंपली कर दोगे, 8 - 1 फैक्टोरियल आपका आ जाएगा 7 फैक्टोरियल, 50 40 आई थिंक इसका आंसर होता है, आंसर डजेंट मैटर, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। 7 फैक्टोरियल कैलकुलेट करना कोई दिक्कत आती क्या, ना, 7 6 5 4 3 2 1, है ना, ए आपका 6 फैक्टोरियल हो गया, तो आप लोग 7 × 6 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप लोग, है ना, आप लोग कुछ भी कर सकते हो। चलो एक और सवाल है ना, तो आप लोग 7 फैक्टोरियल से कर सकते हैं, 1 2 3 4, ओके, 1 2 3 4, यहाँ पे हमारे पास
चार मैन है, मैन नहीं लेते यार, गर्ल्स बॉय लेते। ठीक है, हमारे पास फोर बॉय हैं और फोर हमारे पास ही गर्ल्स हैं, कलर चेंज करते क्या? नाराज हो जाएंगे क्या? फोर हमारे पास गर्ल्स हैं और हम इनको ना सर्कुलर में, सर्किल में अरेंज करना है, सर्कुलर अरेंजमेंट करना है इनका, सर्कुलर परमुटेशन करना है इनका, ताकि कोई भी बॉय और गर्ल्स साथ साथ में ना बैठे। ठीक है, तो बेसिकली या तो चार बॉय को आप लोग सर्कुलर में अरेंज कर दो, है ना, सपोज करो कि चार बॉय को आप लोग सर्कुलर में अरेंज कर रहे हो, एक यहाँ पे हो जाएगा, एक आपका यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, एक आपका यहाँ पे हो जाएगा। किस तरीके से कर सकते हैं आप लोग चार बॉय को सर्कुलर अरेंजमेंट? चार माइनस एक फैक्टोरियल, दैट मीन्स थ्री फैक्टोरियल से कर सकते कि नहीं कर सकते? बिल्कुल थ्री फैक्टोरियल से कर सकते हैं। अब थ्री फैक्टोरियल से आपने कर दिया बॉयज को फिक्स, है ना। यहाँ पे मान लो कि बॉयज का नाम मैं दे देता हूँ ए बी सी डी, ए बी सी डी ये फिक्स हो रखे हैं, ठीक है, सर्कुलर में ये फिक्स हो गए हैं। कितने अरेंजमेंट आ जाएंगे आपके? थ्री फैक्टोरियल। अब यहाँ पे आता है मजेदार ट्विस्ट, इस चीज को आप लोग बिल्कुल इग्नोर मत करना, है ना, मजा आ जाएगा आपको। यहाँ पे ट्विस्ट क्या आता है? ट्विस्ट आता है आपका कि आपको अब बची हुई चार जगह पे गर्ल्स को बैठाना है, ये ऑलरेडी फिक्स हो रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग गर्ल्स वन, यहाँ पे गर्ल्स टू, गर्ल्स थ्री, गर्ल्स फोर करोगे, तो आप देखो गर्ल्स फोर डी ओ ए के बीच में, ठीक, अगर आप इसकी पोजीशन चेंज कर दोगे, सपोज करो आप क्या करना चाह रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं गर्ल्स वन को यहाँ बैठा, गर्ल्स टू यहाँ पे बैठाता हूँ, गर्ल्स थ्री यहाँ पे बैठाता हूँ, गर्ल्स फोर यहाँ पे बैठाता हूँ, गर्ल्स वन यहाँ पे बैठाता हूँ, तो डिफरेंट अरेंजमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? तो मतलब चार गर्ल्स से आप लोग कितने तरीके से बैठा सकते हैं इसको? फिक्स हो रखी ना लोकेशन, सर्कुल सर्किल में इनकी लोकेशन फिक्स हो रखी और आपको इन दोनों के बीच में बैठना है, इसलिए आपकी आप एक एक तरह से बेसिकली आपका ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है, नॉर्मल अरेंजमेंट की तरह है। ठीक है, तो क्या होगा, थ्री फैक्टोरियल से हमने सर्कुलर करा था, फोर फैक्टोरियल से हमने उनकी जगह को अरेंज कर दिया है, तो बेसिकली आपका कितना हो जाएगा, 6 और 24, 6 चौको 24, 6 दूनी 12, 2 14, 144 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया। पहले बॉयज की जगह आप गर्ल्स को भी बैठा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आई होप आपको सर्कुलर परमुटेशन का समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। ओके, चलते हैं क्वेश्चन की ओर, है ना, क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चलो ओके, यहाँ पे क्या बात हो रही है, क्या बात हो रही है, ओके जस्ट सेकेंड, क्या बात हो रही है यहाँ पे। अ फोर डिजिट नंबर इज फॉर्म बाई यूजिंग ओनली थ्री, ओनली द डिजिट 1 2 3, 1 2 3 ये डिजिट यूज करनी है, फोर डिजिट नंबर बनाना है, तो ऑब्वियसली रिपीटेशन होगा, है ना, ऑब्वियसली रिपीटेशन होगा, बोले या ना बोले वो ऑब्वियसली रिपीटेशन होगा। ठीक है, फोर प्लेसेस हैं, वो तीन नंबर है, तो रिपीट तो होगा ना डिजिट, तो रिपीटेशन का यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है हमें, बोल रखा, बोला ना बोला उससे कोई फर्क नहीं। सच दैट 2 3 अपियर एट लीस्ट वंस, 2 3 कम से कम एक बार तो आना चाहिए, है ना। चार जगह है भैया, चार जगह है, ओके चार जगह है, थोड़ा सा मैं दोबारा बना देता हूँ, जस्ट सेकेंड, 1 2 3 4, फोर प्लेस है और 2 3 एटलीस्ट वंस टाइम आना चाहिए, एटलीस्ट वन मतलब 2 3 की हम लोग फिक्स कर देते भैया, 2 3 यार तुम रहो यहीं, 2 3 तुम हमेशा रहो, एक बार तो आना है ना तुम्हें, कम से कम दोबारा आओ तो देख लेंगे हमें ना, दोबारा आओ तो हम तुम्हारा व्यवस्था अलग तरीके से करेंगे, बट पहले एक बार तो बैठे रहो तुम यार, है ना। द नंबर ऑफ ऑल सच फोर डिजिट नंबर इज, ओके 2 3 हमने फिक्स कर दिया भैया, वो तुम्हें आना है, रहो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो सकता है, 1 1 2 2 3 3, है ना, ये चीजें हो सकती है कि नहीं हो सकती? और क्या हो सकता है, 1 2 1 2 हो गया, 1 3 1 3 हो गया, और आपका क्या हो सकता है, 2 3 2 3 भी आ सकता है दोबारा, है ना, 2 2 हो गया, 3 3 हो गया आपका, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 2 3 हो गया, इतना कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 1 और 1 2 करने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेसिकली, है ना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देनी है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका। ओके ओके, क्योंकि आपका रिपीटिशन हो रहा है। ओके अब देखो आप लोग, यहाँ पर 2 3, यहाँ पर 2 3, यहाँ पर 2 3, यहाँ पर 2 3, यहाँ पर 2 3 और यहाँ पर 2 3, रिपीटेटिव कितनी डिजिट है उनका हम देख लेते हैं। 2 3 1 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई
ना कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं आप लोग। रिपीटेशन हो रहा है ना, परम्यूटेशन विथ रिपीटेशन वाला केस हो जाएगा आपका। तो सिर्फ टू है तो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, है ना, 24 तो ये आपका 12 आ जाएगा। ओके, यहाँ पर कितना है, 4 फैक्टोरियल, टोटल नंबर 4 है, और 3 फैक्टोरियल। ओके, कितनी बार है, 2, 3 बार है ना, तो आपका कितना हो जाएगा, 6 24, 24/6, 6 चौक 24 है ना। ओके, यहाँ पे फिर वही बात, 4 फैक्टोरियल और 3 है, 3 टाइम्स, तो 3 फैक्टोरियल। 3 कितने टाइम्स है, उतना के फैक्टोरियल आएगा, 3 5 टाइम होता तो 5 फैक्टोरियल यहाँ लिखते। ओके, सो आपका 24/6, फिर से आपका 4। ओके, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे सिर्फ 4 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 24 ही हो जाएगा आपका। ओके सॉरी, यहाँ पे भी 2 रिपीट तो हो रहा है, 2 टाइम्स है ना, 2, तो आपका क्या हो जाएगा, 2/2, तो यहाँ पे फिर आवारा। ओके, 3 4 फैक्टोरियल, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स आ रहा है ना 3, तो आपका कितना हो जाएगा, 12, फिर से 12, या फिर से 12, और यहाँ पे 4 फैक्टोरियल और 2 टाइम्स 2 है, और 3 2 टाइम्स ही 3 है ना, तो आपका कितना है, 24/4 है ना, 8 चौको सॉरी 6 चौको 24, 6 आ जाएगा आपका यहाँ पे। ओके, 6 चौको 24। ओके, सबको प्लस कर देते हैं ना, सबको हम लोग प्लस कर देते हैं, सबको प्लस कर देते हैं, कितना हो जाएगा, ये हम ऐड करके देखते हैं कितना हो रहा है। ओके, 12 बारह 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 24, 12 36, 40, 44, 6 50 है ना, तो टोटल आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 50 सच नंबर बनेंगे आपके। ओके, 50 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना, रिपीटिशन विथ, रिपीटिशन विथ आपका क्या बनेगा, परम्यूटेशन है ना, परम्यूटेशन। ओके, 1 2, कई लोगों को क्वेश्चन आएगा कि 1 2 2 1 भी हम लोग कर सकते हैं। पहले तो आपको चॉइस करना है, उसको चॉइस करना है, सेलेक्ट करना है पहले, फिर उसको अरेंज करना है, इसलिए आपको 1 2 2 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 50 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द होमवर्क, इट्स टाइम टू गो टू द होमवर्क। पैलोग्राम टाइप का मैं बता रखा हूँ क्वेश्चन, इसको भी आप लोग सिमिलर तरीके से ट्राई करने की कोशिश करना, इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप कि आपको मजा आ गया होगा इस क्वेश्चन को करके, और सर्कुलर परम्यूटेशन समझ गए हो आप लोग कि n-1 फैक्टोरियल क्यों होता है। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।